खुद ही अपडेट होती रहे। देखिए एक तो डेट मैं लिख दूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया आज की डेट लिख दी सपोज टू बी 14 जनवरी, 15 जनवरी बल्कि 2024। तो ये जो मैंने डेट लिख दी तो इसको तो मैं लिख चुका, अब ये कल खोलूंगा परसों खोलूंगा डॉक्यूमेंट, ये सब में डेट मुझे ऐसे ही दिखने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूँ डेली बेसिस पे अपडेट होती रहे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैकस्पेस करेंगे और इंसर्ट में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे किसके ऊपर, डेट टाइम पर। जैसे डेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ डेट फॉर्मेट में नजर आ रही है। अब जो भी डेट आपने यहाँ से लेनी है उस डेट को लेके आपने यहाँ चेक लगा देना है अपडेट डेट ऑटोमेटिकली पे। अगर आप इस पर चेक नहीं लगाएंगे तो फिर वो फिक्स डेट हो जाएगी, फिर जब आप कल डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो सेम डेट आएगी। लेकिन जैसे ही आप इस पर चेक लगाएंगे तो ये आपके सिस्टम की डेट को यहाँ पे कॉपी कर देगा। अब जब आप कल डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यहाँ 16 तारीख होगी, परसों खोलेंगे तो 17 तारीख होगी, इस तरह से ये तारीख को ऑटोमेटिकली अपडेट करता चला जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से जाके यहाँ पे ये हमने आपने ऐड कराई कहाँ से, यहाँ पे जाके डेट पर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या है इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में, मैं आपको ये कुछ फाइल्स दिखाऊंगा। जैसे आप गए डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से आपने क्लिक किया वर्ड फाइल्स में, यहाँ से मैं चला गया एक फाइल मैंने बना रखा है इंसर्ट फाइल वाला ऑप्शन। अब इसमें देखिए मेरी 3-4 फाइल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। एक फाइल है जिसका नाम है चार्ट्स, ठीक है, और जिसमें मुख्तलिफ चार्ट्स बने हुए, और दूसरी फाइल है जिसका नाम है सीवी, इसमें एक सीवी बनी हुई होगी, और तीसरी फाइल भी है किसी की, एक डैशबोर्ड के नाम से भी एक फाइल है जिसमें एक डैशबोर्ड बना हुआ होगा, आई थिंक सो। ये देखें इस तरह का डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। और ये वाली फाइल तो फिलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये इसको हम बनाना सीखेंगे कैसे बनाया था मैंने। और डिज़ाइन टैब्स के नाम से एक फाइल है, तो ये देखें डिज़ाइन टैब्स में कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हेडर के नाम से एक फाइल है जिसके अंदर कुछ हेडर से रिलेटेड इस तरह का बना हुआ है। अब ये 4 अलग अलग फाइल्स हैं मेरी, ठीक है। आप भी इस तरह डेली फाइल बना रहे हैं, फोल्डर के अंदर बन रही हैं फाइल्स, आपकी बनती जा रही है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एड होती जा रही है। अब आपने क्या करना है, किसी को भेजनी है फाइल्स, तो अब आप 4 फाइल भेजेंगे, 1, 2, 3, 4 फाइल्स भेजेंगे, तो वो 4 फाइल भी भेज सकते हैं, इस तरह 40 फाइल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये आसान ऐसा ना हो कि हम 4 फाइल को एक में ऐड करके फिर भेज दें एक ही फाइल बना के, तो उसको कैसे इन फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में कैसे हम पिन करते हैं, ऐड करते हैं, इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से वर्ड का डॉक्यूमेंट एक खोला जिसके अंदर हम इसको ऐड कराना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद इंसर्ट में गए और यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके आपने लिया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये फीचर क्या काम करेगा, हर फाइल में से टेक्स्ट को कॉपी करेगा और इसके अंदर क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। वर्ड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले कौन सी ऐड करानी है अपने फाइल, मेरे का पहले मैं सीवी वाली फाइल को ऐड कराऊंगा। इंसर्ट किया तो उस फाइल का सारा टेक्स्ट लेके उसने वहां से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, जो कि 2 पेजेस पर आया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ब्लैंक पेज ऐड कराया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके फिर मैंने ले लिया चार्ट्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ चार्ट पे क्लिक किया तो देखिए चार्ट के अंदर जो भी मेरे चार्ट्स बने हुए थे वो सारा डेटा जितने पेजेस पे आ रहा था वो सारा इसने अगले पेजेस पर ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गया, ब्लैंक पेज ऐड किया और यहाँ पर आ गया। देन फिर क्लिक करके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैंने डिजाइन टैब वाली फाइल को ऐड कराया, तो डिजाइन टैब में जो भी डेटा था वो 5-6 पेजेस का आ गया। और फिर मैंने इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक करके ऐड कराया और फिर मैंने यहाँ पे जाके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने हेडर को ले लिया। और जैसे ही मैंने हेडर को लिया तो नीचे देखें हेडर इसके अंदर ऐड हो गया। जो मेरी 4 फाइल्स का डेटा था तकरीबन मेरे 15 पेजेस पर आया और वो देखें पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल इसमें ऐड हो गई। अच्छा, अब ये एक अलग फाइल है, उन 4ों से डेटा कॉपी होके इसके अंदर पेस्ट हो गया, वो 4 फाइल अलग हो गई, ये एक अलग फाइल हो गई। अब इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग हुई। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ से मैंने किया मोर ऑप्शंस में जाके मैंने कहा ब्राउज पे क्लिक करके मैं गया वर्ड फाइल्स में और वर्ड फाइल्स में जाने के बाद मैंने क्लिक किया किसके ऊपर, इंसर्ट के ऊपर, और क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने रख दिया ऑल इन वन। तो ये मेरे सारा डेटा 4 फाइल्स का एक ही फाइल के अंदर ऐड हो गया और ये एक अलग फाइल बन गई और मैंने उस डॉक्यूमेंट में ऐड कर दी। अब इस 4 फाइल का उस फाइल से कोई रब्ता नहीं है, बस डेटा उसमें कॉपी हो चुका है। अब 4 फाइल भेजने के बजाय मैं एक ही फाइल किसी को सेंड कर देता हूँ तो मेरी मल्टीपल फाइल का डेटा एक फाइल में आ जाएगा। अब इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको डैशबोर्ड दिखाया था, एक डैशबोर्ड मैंने आपको सिखाया कि आपने क्या करना है, लिंक करना है और ऐड करना है, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था लिंक के जरिए। एक और इसके अंदर ऑप्शन है जिनको फाइल के साथ आप लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, अब देखिए इन्हीं 4 फाइल्स का मैं एक डैशबोर्ड बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ से वर्ड ऐड किया, एक न्यू फाइल ली और मैंने यहाँ से न्यू ब्लैंक पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको किया और इसका नाम मैंने रख दिया डैशबोर्ड।
ठीक है, डैशबोर्ड रख के मैंने इसको टाइटल कर दिया, टाइटल करके मैंने इसको सेंटर कर दिया, और यहाँ से क्लिक करके ऐसे कर दिया, यहाँ से क्लिक करके एंटर कर दिया, यहाँ नीचे आ गए और एंटर कर दिया, इंसर्ट में चले गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने। अब टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के बजाय आपने क्या कहा, ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट आपके सामने खुल गया, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया आपने और यहाँ से ब्राउज किया। अब जैसे ही ब्राउज किया तो आपको बतानी पड़ेगी वो कौन कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो ये चार फाइल्स हो, आप कोई और फाइल भी ऐड करा सकते हैं। मैं ये चार में से पहले एक सेलेक्ट करता हूँ, चार्ट, इंसर्ट। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ओके नहीं करना, बल्कि मुझे कहना है लिंक टू फाइल, डिस्प्ले इज आइकन, इन दोनों पे चेक करना है। यानी कि जो भी चीज़ ऐड हो रही है उसको लिंक भी कर दो और उसका आइकन भी बना के यहाँ पे दिखा दो। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ओके तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका आइकन के साथ वो पूरी की पूरी फाइल ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी और जो कि आपको पूरी की पूरी यहाँ पे नजर आ रही है। नहीं, ये लिंक है, आइकन वहाँ से यहाँ आ गया, शॉर्टकट है उसका ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पर और यहाँ से क्लिक करेंगे दोबारा ऑब्जेक्ट पर और दूसरी फाइल के साथ भी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके दोबारा उसी जगह पे जाएंगे, वर्ड फाइल, इंसर्ट फाइल, और यहाँ पे क्लिक करके सीवी वाली फाइल को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको बड़ा कर दिया और उठा के अगर ऊपर रखना है तो यहाँ से उठा के इसके साथ हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस तरह तीसरी फाइल को भी अगर हम करना चाहें तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लिक करके अब यहाँ से कहेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल और यहाँ पे करेंगे ब्राउज और ब्राउज क्लिक करके यहाँ से लेंगे वर्ड फाइल्स का ऑप्शन, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हमने तीसरी फाइल को सेलेक्ट करना है, हेडर वाली को, और लिंक टू फाइल डिस्प्लेज आइकन पे क्लिक करके ओके कर देना है और यहाँ पे ये क्लिक करके आप उसको यहाँ पे रख देंगे। अब नहीं 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 ये आपके कंप्यूटर की हद तक है, वो जो पहली वाली फाइल थी उसमें डेटा कॉपीड था, ये लिंक बन गए। मतलब अब आपको फायदा ये हो गया, इस फाइल को आप ये फाइल वहाँ से खुल जाएंगी, डायरेक्टली खुल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके वर्ड फाइल्स पे गए, इंसर्ट में गए, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया डैशबोर्ड, ये मेरी फाइल एक और बन गई। ये मैंने एक साहब के कंप्यूटर में देखा था, वो शायद किसी ऑफिस में जॉब कर रहे थे, उन्होंने ऐसे सारी फाइल्स को ऐसे तरतीब से रख रखा था वर्ड के पेज के ऊपर। मैं तो मुझे वहाँ से ये आइडिया मिला कि मैंने कहा ये अच्छा है, अलग अलग फोल्डरों में जाके ढूंढनी पड़ती है फाइल, वो यहीं से था। इसका अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस फाइल में कोई काम करना चाहते हैं तो इस पर यहीं से डबल क्लिक करें, ये ओरिजिनल फाइल खुल जाएगी। ये देखें, ये ओरिजिनल फाइल खुल जाएगी। अब इसके अंदर जो भी काम करना है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर एक एंट्री करनी है स्काइप की, तो आपकी स्काइप की एंट्री कर ली और यहाँ पर ठीक है, चलो कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब ये इसकी ओरिजिनल फाइल में एंट्री हो गई, आप जाके चेक कर लें वहां से जाके, यहाँ पे जाइए सीवी वाली फाइल को अलग से खोलिए, ये देखें यहाँ पे एंट्री हो चुकी। तो हमारी जब फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाती है ना, जैसे अभी मेरे पास कंप्यूटर में देखिए काफी सारी फाइल्स हैं, तो मुझे ये चाहिए कि मैं इन सबको अरेंज करके एक फाइल में इसका डैशबोर्ड बना दूं ताकि मुझे सारी फाइल्स एक ही जगह पे मिल जाए। ये देखिए कितनी फाइल्स है, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी अगली फाइल में हम इसका आइकन चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट में गए। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि एमएस वर्ड की फाइल को बनाए, जिस फाइल को चाहे लिंक कर सकते हैं आप, यहाँ से क्रिएट कर दें, यहाँ पे क्रिएट कर दें, ब्राउज कर दें और यहाँ से आप ले लें आप सपोज हेडर वाली फाइल को और यहाँ पे डिस्प्ले आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज आइकन पर और ये देखें बहुत सारे आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ब्राउज कर लें जो और आइकन चाहिए। तो आपको ये देखें और सारे आइकन मिल गए, तो अब कोई आइकन इनमें से पसंद आता है तो वो ले लें। हाँ, पिक्चर भी लगा सकते हैं लेकिन वो आइकन वाली पिक्चर लगेगी इसमें। ये देखें ना, इसमें अगर चले देखें, एक चेक करते हैं पिक्चर्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, लेटर्स पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये वाली पिक्चर लगा के देखते हैं, तो ये आई नहीं रही इसके ऊपर, ओके करते हैं, ये नहीं आई। वो जो आइकन वाली पिक्चर है ना, ICO फाइल होती है, वो इस पर आप प्रॉपरली लगा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। बहरहाल ये काम तो उस पर करेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, एक तरीका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट कॉपी करके इसमें पेस्ट हो गया तो अलग से फाइल बन गई, एक तरीका जिसमें आपने इसको लिंक कर दिया। बेटा ये फाइल तो चली जाएगी लेकिन ये लिंक उसके पास काम नहीं करेंगे क्योंकि फाइल्स आपके पास है ना ओरिजिनल, फिर आपको ये पूरा फोल्डर भेजना पड़ेगा ये सारा। जी जितने चाहे लगाने, अनलिमिटेड है। तो उसके दूसरी फाइल को भी लिंक करके देख लेते हैं, कोई एक्सेल वगैरह की फाइल को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये डेफकॉन बिल्स के नाम से एक फाइल है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसके साथ। हाँ जी ठीक है, अब इसको भी हम डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन करेंगे, सही इस तरह से लिंक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सिंबल। देखिए सिंबल क्या होता है, ये भी लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ए बी सी डी, क्या फॉन्ट्स हैं ना आपके, सिंबल भी फॉन्ट्स होते हैं।
पर इनकी शक्ल ए बी सी डी जैसी नहीं होती, कुछ और जैसी शक्ल की होती है। कुछ सिंबल तो आपके कीबोर्ड में मौजूद हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, बफर, डॉलर, परसेंट, कैरेट, ये तो आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं। और अगर आपको सिंबल चाहिए तो यहाँ इंसर्ट में जाएं, मोर सिंबल पे क्लिक करें। सिंबल के बिलखसूस फॉन्ट हैं जिनका नाम है विंगडिंग्स और विंगडिंग्स टू, विंगडिंग्स और विंगडिंग्स टू, और यहाँ पे विंगडिंग्स थ्री भी है। और यहाँ पे देख लें जिसके अंदर आपको जो सिंबल आपको अच्छे लगते हैं वो यहाँ से चूज करें, उस सिंबल पे क्लिक करें, इंसर्ट करें, उस सिंबल पे क्लिक करें, इंसर्ट करें, क्लोज कर दें। अब इनको डील कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सिंबल्स, साइंस, साइंस कहीं पे दिखाने के लिए, लगाने के लिए कुछ चाहिए फोटो, ठीक है, निशानी है ना भैया, कहीं दिखानी है आपको, इसको यूज़ करना है तो इसको फॉन्ट के तरीके आप इसको बड़ा कर लें, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इनका कलर फॉन्ट वगैरह सब आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। और ये बाकायदा इसी तरह से यूज़ होते हैं जैसे आपके फॉन्ट लिखे होते हैं, फॉन्ट से ही कंट्रोल होंगे, ठीक है। अब रहिए इक्वेशन का, तो इक्वेशन के लिए अगर ये सीखना हो तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की इक्वेशन हम लेके सॉल्व करके बना देंगे, यानी कि एक प्रॉपरली प्रोफेशनल स्टाइल में इक्वेशन कैसे इसके अंदर बनाई जाती है, ये है असल में मसला, ठीक है ना। वैसे तो लिखते हैं तो सॉल्व नहीं होगी, टाइप करने के लिए, बनाने के लिए सॉल्व नहीं होगी, बस ये टाइप करने का तरीका है। तो कोई इक्वेशन आपको फिर मैं कभी करा, कंप्यूटर के वर्ड में इमोजी वगैरह होते हैं? नहीं, इमोजी सिंबल्स होंगे ना, ये रहे सारे इमोजी आ जाएंगे। हाँ, इस सिंबल एक फॉन्ट की तरह आप कहीं पे यूज करना चाहें, कॉन्टेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट की पिक्चर लगा दें, वेबसाइट के लिए वेबसाइट की पिक्चर लगा लें, एड्रेस के लिए कोई घर दिखा दें। सर, उस दिन जो आपने स्मार्ट कार्ड बनाया था उसके अंदर फोन का था, हाँ तो इसमें से आ जाएगा। वैसे अब इतना एडवांस जमाना आ गया कि इंटरनेट से गूगल पर जाके वो तस्वीरें हम रख लेते हैं, तस्वीरें ही लगा देते हैं, लेकिन बिल कभी आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो यहाँ से भी कुछ जो मिल रहा है लेके इसमें से लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, ये मामला है इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ जो आपने बनानी है।